होने के अवसर पर गुमला जिला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर 60 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक के परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कुल 2068.9 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और 155.48 लाख रुपए की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन किया गया। उसके बाद 4 आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। DSLPS द्वारा पलास मार्ट का उद्घाटन किया गया। गुमला एवं सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कोविड-19 के मानकों का भी अनुपालन किया गया। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। ये कोविड-19 का आगमन हुआ और कोविड-19 के आगमन में आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा राज, छोटी जिला, बड़ी जिला का राज, इस इतने बड़े जिला के इतने बड़े राज को चलाना फिर संसाधन है, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे कि पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व की सरकार ने इस राज्य में पूरे खजाना खाली करके खजाने की चाबी हमारे हाथ में सौंपने का काम किया। आप समझ सकते हैं इस राज्य में खजाने को बगल इस राज्य को चलाना कितना मुश्किल था और मुश्किल कदम में भी हेमंत सोरेन ने हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत नहीं हारते हुए इस राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर के इस राज्य के पूरे 24 जिला के अधिकारियों के भरोसे, इस राज्य के पूरे आम जनता के भरोसे इस राज्य की बागडोर को आज एक साल का खींच करके 19 दिसंबर एक साल पूरा जिन्होंने किया है। और राज्य की तुलना में हमारे राज्य का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है और कोरोना योद्धा के रूप में देश की सरकार ने इसको सम्मानित करने का भी काम किया। कोरोना